गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे बॉटनी के बॉटनी के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपका बीएससी सेकंड ईयर का रहेगा। और बीएससी सेकंड ईयर में मैंने बताया था आपको कि आपके तीन पेपर हैं। बीएससी सेकंड ईयर का जो है उसमें आपके तीन पेपर हैं बॉटनी के, जिसमें से जो एक पेपर है फर्स्ट पेपर वो आपका रहता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसमें से आपको चूज करना होता है, ठीक है, या वन लाइन होता है, ठीक है। तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में ही चर्चा करेंगे। आज ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो आपका है, जिम्नोस्पर्म की किस गण के सदस्यों में वेसल्स पाई जाती है। तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उसकी किस गण, ठीक है, किस गण के सदस्यों में वेसल्स पाई जाती है। तो किस सदस्य में पाई जाती है वो आपकी नीडल्स, किस सदस्य में पाई जाती है आपकी जिम्नोस्पर्म का जो गण है आपका उसमें किसमें पाई जाती है, नीडल्स में पाई जाती है। जो वेसल्स पाई जाती है जिम्नोस्पर्म के उसमें नीडल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पौधे में मोनोजाइगस कास पाई जाती है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें मोनोजाइगस कास्ट पाई जाती है। तो उस पौधे का नाम है आपका साइनस। मोनोजाइगस कास्ट में पाई जाती है, किस में पाई जाती है आपकी साइनस। थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा, चैम्बरलिन में एक बीज पत्तियों के जीवाश्म रिकॉर्ड को कितने शीर्षों में विभाजित किया। एक हमारे वैज्ञानिक है चैम्बरलिन, जिन्होंने जो लीव्स हैं उनके जीवाश्म के रिकॉर्ड्स को कितने भागों में विभाजित किया। जीवाश्म क्या होता है, फॉसिल्स क्या होता है। तो जीवाश्म कई वर्षों तक पृथ्वी के अंदर कोई चीज अगर दबी रहती है, पृथ्वी के अंदर दबी रहती है, धंसी रहती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो जो चैम्बरलिन हमारे वैज्ञानिक हुए उन्होंने एक बीज पत्तियों के जीवाश्म, ऐसी पत्तियां जिनमें एक बीज पाया जाता था, एक बीज पत्तियों के जीवाश्म रिकॉर्ड को कितने शीर्षों में विभाजित किया। तो कितने शीर्षों में विभाजित किया, तीन शीर्षों में या तीन भागों में उन्होंने उन पत्तियों को विभाजित किया। फोर्थ क्वेश्चन है, राजमहल किस से खोजे गए। जीवाश्म होमोजाइगोट की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की। तो राजमहल किस से कोई जीवाश्म खोजा गया, प्रोफेसर बीरबल साहनी ने, प्रोफेसर बीरबल साहनी ने क्या किया, राजमहल हिल्स में कुछ जीवाश्म की खोज की, जिन्हें क्या नाम दिया गया, होमोजाइगोट की व्याख्या, होमोजाइगोट का नाम दिया गया। जो जीवाश्म वहां से राजमहल हिल्स से खोजे गए उनका नाम क्या दिया गया, जीवाश्म का होमोजाइगोट, ठीक है। होमोजाइगोट की व्याख्या किसने की, कौन से वैज्ञानिक ने होमोजाइगोट की व्याख्या की, किसने की, और ये कहां से खोजे गए थे, ये जीवाश्म राजमहल हिल्स से खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम्नोस्पर्म का अर्थ है, जिम्नोस्पर्म का क्या अर्थ है, जिम्नोस्पर्म का क्या अर्थ है या क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो जिम्नोस्पर्म का अर्थ वैसे सामान्यतः है नैक सीड, मतलब ऐसा सीड जिसमें आकार नहीं पाया जाता है, जिनमें जो आपका जो आप देखते हैं कोई भी बीज देखते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, छिपकर पाया जाता है ऊपर। जैसे आपने देखा हुआ चना देखा हुआ, मटर देखा हुआ, गेहूँ देखा हुआ, सभी के हमने देखा कि एक आवरण पाया जाता है। ये आवरण क्यों पाया जाता है, इसलिए पाया जाता है ये आवरण, जो आपका बीज है वो बाहरी वातावरण से, बाहरी चीजों से, बाहरी एनवायरमेंट से उसकी रक्षा कर सके बीज की, तो इसलिए उन्हें क्या पाया जाता था, आवरण। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स थे आवरण नहीं पाया जाता है, इसलिए हम का अर्थ होता है क्या होता है, कुछ भी नेक सीड, नेक सीड मतलब ऐसा सीड, ऐसा बीज जिसमें आवरण नहीं पाया जाता, तो हम उसे बोलते हैं आपका नेक सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम्नोस्पर्म में कौन सी गण पाई जाती है। तो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें कौन सी जड़ पाई जाती है। जड़ें आपको मैंने बताया मूलतः कई प्रकार की होती है, स्थानिक जड़ें होती हैं, है ना, परो जड़। तो जो आपका जिम्नोस्पर्म है उनमें कौन सी जड़ पाई जाती है, तो उनमें पाई जाती है आपकी टैप रूट, ठीक है।
जिम्न उसका भी हमें कौन सी जड़ पाई जाती है, टैबू। इसी प्रकार की क्वेश्चन आपसे जो है पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक इनको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको वो पता नहीं चलेगा। तो जिम्न उसका में कौन सी जड़ पाई जाती है, टैबू। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, साइक्लोब्यूटेन्स के सदस्य किस रूप में पाए जाते हैं। जो साइक्लोब्यूटेन्स है पूरा सदस्य है पूरा आपका, तो उसमें साइक्लोब्यूटेन्स के जितने भी पेड़ पौधे उस सदस्य के अंतर्गत आते हैं, जो भी पेड़ पौधे आते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं। तो जो साइक्लोब्यूटेन्स के जो सदस्य रहते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, आपके जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच किसे रखा गया है। तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच किसको रखा गया है, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बीच होने से किया है, सॉरी, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच किसे रखा गया है। टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच किसको रखा गया है, जिम्नोस्पर्म को। तो टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच क्यों इसको रखा गया है, जिम्नोस्पर्म को। तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच इसलिए से रखा गया है क्योंकि ये जो जिम्नोस्पर्म है वो आपको टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म से समानताएं भी दिखाता है, कुछ समानताएं भी दिखाता है जो जिम्नोस्पर्म है, और कुछ असमानताएं भी दिखाता है। जो जिम्नोस्पर्म है वो टेरिडोफाइटा से भी समानता दिखाता है और एंजियोस्पर्म से भी समानता दिखाता है, जबकि और फिर जो जिम्नोस्पर्म है टेरिडोफाइटा से असमानताएं भी दिखाता है, अंदर भी दिखाता है, और इससे भी जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से भी अंतर दिखाता है। इसलिए इसे किस कहाँ रखा गया है, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच रखा गया है, ताकि इनमें जो